नमस्ते, मूवी रिव्यू करेंगे दशहरा। ये एक तेलुगु मूवी है। चलिए फिर करते हैं दिल की बात एकदम साफ। कैसी है ये मूवी, चलिए करते हैं चर्चा। मूवी शुरू होता है, आप देखते हैं एक ऐसे गांव जहां पे सिर्फ बेवड़े ही रहता है। उसको दारू के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, बस पीना है और सोना है, पीना है और सोना है। उसी बीच में हमारा हीरो भी है जो दारू पीने के साथ साथ चोरी भी करता है। कई बार पुलिस पकड़ता है, पकड़ के कूट देता है, और हमारे अंदर कोई भावना जगता ही नहीं, कहता अच्छा है कूट रहा है, तो बेवड़े हैं। इसी तरह किसके साथ ऐसा ही हाल होनी चाहिए। सेकेंड हाफ तक तो हमारा किसी के साथ इंटरेस्ट जगता ही नहीं, फिर उस बेवड़े को कोई मारने लगता है, फिर हमारे भावना जगता है। बेवड़े हैं, कूटो पीटो कोई बात नहीं, लेकिन मारोगे तो ये तो सही बात नहीं है। अब उस सारे बेवड़े को क्यों कोई मारना चाहता है, इसके लिए तो बहुत ही लंबी मूवी आपको देखनी पड़ेगी। जी हाँ, ये बहुत ही लंबी मूवी लगती है। स्क्रीन प्ले इतना स्लो है कि आपको नींद आने लगेगा, और बैकग्राउंड म्यूजिक और ज़्यादा आपको सहारा देगा सोने के लिए। मन करेगा कि बस सो जाओ। एक तो कैरेक्टर ऐसा है जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट जगता ही नहीं, बिल्कुल नहीं जगता है, अंत तक नहीं जगता है। अंत में जाके मूवी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनता है, तो वहाँ जाके ओवर द टॉप एक्शन आपको परेशान करने लग जाएगा। बीच बीच में बिना मतलब का बहुत सारे ज्ञान भी फैलता है। कलर शेड अच्छा है, गाना सभी एकदम अजीब सा है, मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा इसका सारे का सारा गाना। अब हिंदी में डब करके उसको अजीब बना दिया है, फिर वहाँ के लैंग्वेज में भी अजीब ही हैं। मैं तो हिंदी में देखा हूँ, वैसे हिंदी में जो डायलॉग है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिंग सभी के ज़बरदस्त है, बस इतना स्लो स्क्रीन प्ले यदि आप झेल पाओगे तो आप मूवी को देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से वन टाइम वॉच मूवी है। मुझे तो रिव्यू करना था तब मैं इसको किसी तरह पूरा मूवी देखा हूँ। यदि मुझे रिव्यू नहीं करना होता तो ये मूवी मैं नहीं देखने वाला था, आधा में छोड़ देता मूवी। मेरे तरफ से इस मूवी को 5/2 स्टार। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।